हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रहा है आपका आज का दिन? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप सॉफ्ट टॉयज को किस तरीके से घर पर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्लीन कर सकते हैं, वो भी उनको बिल्कुल हार्म पहुंचाए और वो वैसे ही सॉफ्ट और उनके जो हेयर है वो एकदम से अच्छे टेडी बियर के जो बाल होते हैं वही तो उनकी ग्रेस होती है। अगर वही खराब हो जाएंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, तो उन्हें कैसे बरकरार रख सकते हैं और कैसे शाइनी बना सकते हैं? और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और सॉफ्ट टॉयज तो डेफिनेटली होंगे ही, तो सॉफ्ट टॉयज उन बच्चों को किस तरीके से आप डस्ट फ्री करके दे सकते हैं वो भी कुछ मिनटों में। तो चलिए देख लेते हैं कि ये सॉफ्ट टॉयज को हम फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में किस तरीके से वॉश कर सकते हैं। सो आज करेंगे सॉफ्ट टॉयज की गंदगी को बाय बाय। तो ममाज बी रेडी, आपकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी फुली ऑटोमेटिक यानी टॉप लोड वॉशिंग मशीन को डेलिकेट पर सेट कर देंगे। पानी को जो है हम लेवल सेट कर देंगे, 5 का 5 ही रखूंगी मैं, और वॉश पे हम करेंगे। वॉश पे क्यों? क्योंकि हमें अभी फिलहाल वॉश करना है। हमेशा जब भी आप कोई भी सॉप इस्तेमाल करें, चाहे वो डिटर्जेंट हो या फिर कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट हो, सबको डिल्यूट करके ही वॉशिंग मशीन में यूज करना चाहिए, नहीं तो गांठे पड़ जाती हैं और सर्फ रह जाता है डेलिकेट पे स्पेशली। तो डिल्यूट कर रही हूँ मैं अपने वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा पानी डालकर, उसमें थोड़ा सा सर्फ ऐड करके थोड़ा सा इसकी झाग बनने दूंगी। जब वो मुझे लगेगा कि ये डिल्यूट हो गया है, तब इसके अंदर जब पानी हाफ लेवल पे पहुंच जाएगा, इसमें मैं सॉफ्ट टॉयज ऐड करूंगी। अभी पानी जो है वो थोड़ा भर चुका है और इसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज तो नहीं है, लेकिन जितने हैं उनको मैं डिप कर दूंगी और इसे वॉश होने दूंगी। अगर आप डायरेक्टली वॉश रिंस और स्पिन पे लगाते हैं तो आपके सॉफ्ट टॉयज जो हैं वो एकदम फट सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले सिर्फ वॉश करेंगे जैसे कि हम पिलोज को करते हैं। अगर आपने पिलो और कुशन वॉशिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो अभी जो है कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो अभी हम रिंस कर देंगे। रिंस करने के लिए हमें पानी को निकालना होगा, तो इसीलिए मैंने अभी स्पिन पर इसे किया है ताकि जितना भी वॉशिंग मशीन में पानी है वो निकल जाए। तो जब पानी निकल जाएगा उसके बाद मैं मशीन फिर से बंद करके चलाऊंगी और इसे रिंस पर सेट करूंगी। और पानी का लेवल जो है वो मैं 3 रखने वाली हूँ और एक बार सिर्फ एक वॉश के लिए मैं रिंस करने वाली हूँ। अगर हम ज़्यादा रिंस करेंगे वॉशिंग मशीन में तो वो जो है हमारे सॉफ्ट टॉयज को फाड़ सकते हैं, तो 1 से 2 बार ही आपको रिंस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको एक बार में ही सेटिस्फेक्शन मिल जाती है तो आप एक बार कीजिए, नहीं तो दूसरी बार में आप डायरेक्टली वॉशिंग मशीन को बंद भी कर सकते हैं। अभी एक बार हो चुका है, पानी जो है वो रिंस मुझे लग रहा है। मैं 2-3 सर्कल दिलवा के उसके बाद स्पिन पे फिर क्लिक कर दूंगी ताकि पानी निकल जाए, और सेकेंड टाइम में मैं फिर से रिंस का बटन ऑन करके चला लूँगी। अभी जो है मेरे कपड़े जो है वो रिंस हो चुके हैं और अब स्पिन करने के लिए मैं दोबारा करूँगी। तो अभी रिंस हो चुका है, पानी मैं निकाल चुकी हूँ, एक बार फिर से लगाऊंगी और इस बार सिर्फ एक बार पे लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमको, नहीं तो हमारे सॉफ्ट टॉयज जो हैं वो फट सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जब भी हमें रिंस करना है, हम एक बार इसे रिंस करेंगे 2-3 सर्कल दिलवा कर, उसके बाद मैं दोबारा से स्पिन कर दूंगी ताकि पानी जो है वो निकल जाए। जैसे ही पानी निकल जाएगा मैं वॉशिंग मशीन बंद करके उसे दोबारा से नंबर 1 पे रिंस करूंगी। अब रिंस हो गया है, रिंस होने के बाद अब मैंने इसे स्पिन पर प्रेस कर दिया है और जितना भी पानी था वो निकल जाएगा, और स्पिन भी मैं सिर्फ एक बार करूंगी, बहुत ज़्यादा बार नहीं करूंगी, क्योंकि ज़्यादा करूंगी तो अगेन सॉफ्ट टॉयज फटने के चांसेस रहते हैं और सॉफ्ट टॉयज फट भी जाते हैं। अभी पानी जो है वो निकल रहा है क्योंकि हमने स्पिन पे इसे क्लिक किया है, तो एक बार जितना भी पानी होता है वो टब में से निकल जाता है और उसके बाद स्पिन होता है। अभी 3 मिनट के लिए स्पिन होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो 3 मिनट से पहले भी अपनी वॉशिंग मशीन को स्टॉप करके रख सकते हैं, अगर आप नहीं रख ज़्यादा देर स्पिन करना चाहते तो। अभी आप देख सकते हैं स्पिन हो चुका है और अभी मेरे जो सॉफ्ट टॉयज हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, और बहुत ही थोड़ा टाइम लगता है इन्हें क्लीन करने में, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगती है। तो अभी मैं इन्हें सुखाने के लिए रख दूंगी, डायरेक्ट सनलाइट में इन्हें सुखाइएगा
ताकि ये जल्दी से सूख जाए। तो आई होप मॉमीज आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को भी हिट कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे और हम इस तरीके से मिलते रहे। आप चाहें तो अपने दोस्तों की भी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप ग्रुप्स पर शेयर करके, ताकि उनके भी बच्चे हेल्दी रहे ना। तो इस तरीके से आप अपने आप को भी हेल्दी रख सकते हैं और दूसरों को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, लगा है तो लाइक दे दो। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एवर 18 मेंस्ट्रुअल कप जो कि है सिलिकॉन बेस्ड और ये इजीली आप 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पीरियड्स को बनाता है हैप्पी पीरियड्स, तो इसे फटाफट से आप परचेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।